सगर जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं डॉक्टर योगेश चोपड़ा अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय जय संगत और गुरु जी की संगत को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। हमको आदेश दिया हुआ है कि हम कुछ अपना एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ जो हमने बिताया उसको शेयर करें। तो हम गुरु जी को मिले 1996 में। तो गुरु जी के हम शाम को जाते थे मंदिर और शाम को हम जाते थे डिफरेंट जगह में, जैसे गुरु जी पहले ग्रेटर कैलाश में थे, फिर कभी पंचकुला में भी थे, फिर उसके बाद फिर छोटे बंदर जाना शुरू किया। तो गुरु जी ने बड़ी अच्छी तरह अपना परिवार मन के हमको बहुत प्यार दिया। तो ऐसे ही गुरु जी से हमने बोला एक दिन के, गुरु जी बेटा अब हायर सेकेंडरी कर ली है तो इसने अमेरिका जाना है अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए मेडिसिन में, तो इनकी एडमिशन वगैरह ये हो जाएगी। कहता है हाँ, ज्यादा बच्चिया नाल मोह नहीं रखना चाहिए, ज्यादा बच्चों से मोह नहीं होना चाहिए, अगर इसको बाहर जाना है तो जाने दो। तो दैट वॉज, हम बड़े खुश हुए। तो ऐसे ही हम हफ्ते में 2-3 बार गुरु जी के शाम को हम जाते थे एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में। तो जब फाइनल स्टेज हुई और हमने कहा गुरु जी से, तो गुरु जी यदि एडमिशन हो जाएगी, तो गुरु जी कहंदे बस हो गई, तुहाडा कल्याण हो गया। एंड हमको तो मालूम ही नहीं था, हमने तो बस अप्लाई वगैरह किया हुआ था मगर कोई खबर नहीं आई थी। तो उस दिन गुरु जी ने बोला बस आप लोग आज्ञा लो और घर जाओ। और घर में हम जब आए रात को तकरीबन 10-10:30 बज गए थे, तो ईमेल आई हुई थी जो अथॉरिटीज उनके मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज से कि मेरे छोटे बेटे का एडमिशन हो गया है और बाकी उनका ज्वाइन करना है और ये वो। तो गुरुजी जो थे वो बिल्कुल सब कुछ जानते थे और सब कुछ आपको पहले ही बता देते थे कि ये एडमिशन हो गया है, सब कुछ है, आप घर जाओ और घर जाके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये तो गुरुजी के ही चमत्कार होते थे। और कई बार गुरुजी से हम इतने सालों से हम जुड़े हुए हैं गुरुजी से, तो एक बार हम पंजाब से आ रहे थे, रात को हमको गुरुजी ने आज्ञा दी, तो हम ये हाईवे जो है करनाल का, दिल्ली करनाल उस साइड से, रात को 1 बज गया था तो आ रहे थे। तो रात को एकदम गाड़ी खराब हो गई क्योंकि स्पीड पे चल रहे थे, 100 की स्पीड थी। तो गाड़ी मैंने कहा चलो रोल करने दो यहाँ, और गाड़ी वो कोई 200-300 मीटर चली और बिल्कुल जाके पेट्रोल पंप पे जाके रुकी। तो मैंने कहा ये भी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का चमत्कार है। तो वहां पे हमने, कोई आदमी थे, हमने पूछा उनको भैया यहाँ पे कोई फैन बेल्ट वगैरह ये कुछ, हमको क्या मालूम था क्या खराबी है। तो उसने खोल के देखा, कहता जी नहीं सब कुछ ठीक है, फैन बेल्ट वगैरह ठीक है, ये अंदर जो इंजन में कैम बेल्ट होती है वो टूटी है और वो उसका कुछ इलाज नहीं है, वो तो पूरा खोल के ठीक करना पड़ेगा और रात को 1 बजे अभी तो यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। हमने कहा बस गुरु जी करेंगे, हमारे साथ हमारी मिसेस भी थी। तो रात को हम हाईवे पे खड़े हो गए पेट्रोल पंप के सामने, तो हमने कहा कोई गाड़ी को रोके, कोई मदद कर ले या कोई टो कर ले ये वो। तो वहां पे खड़े खड़े 5-10 मिनट में ही एक SUV आई, उसमें एक आदमी बैठा हुआ था सिर्फ। तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि हमको ऐसे ऐसे, दिल्ली करनाल था अबाउट 100-120-130 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि हमको ऐसे टो करके ले जाएंगे, कर सकते हैं। तो कहता है हाँ मेरे पास टो करने की चेन भी है, मैं तो अपने बिजनेस टूर पे गया था
तो वापस आ रहा हूँ और मैं बिल्कुल साउथ दिल्ली में ही रहता हूँ, तो आप लोग डिफेंस कॉलोनी में हैं, मैं आपको टो करके घर छोड़ दूंगा। सो गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि बस जब गुरुजी को याद किया तो गुरुजी वहां उपस्थित हो जाते थे। तो गुरुजी की ऐसे ही छोटी छोटी कई वो है इंसिडेंट, तो गुरुजी की बहुत कृपा रही और गुरुजी घर भी आते जाते थे तो संगत लेके रात को 1 बजे आ जाते थे। कभी कभी उनके कुछ डेंटल इश्यूज होते थे, कभी कुछ रूट कैनाल करनी है या कैप करनी है या कुछ फिलिंग करनी है, तो रात को आ जाते थे और फिर हम रात को साथ में कभी पंजाब से साग और ये कुछ प्रसाद वगैरह लेके आते थे, तो हम लोग कोई 10-15 लोग बैठ के घर में वो सब करते थे और हम गुरुजी की कुछ डेंटल ट्रीटमेंट होती थी वो भी करते थे। तो गुरुजी के साथ बिल्कुल परिवार जैसे वो था और गुरुजी का आशीर्वाद है अभी भी। हमारे दोनों बेटे जो हैं वो अमेरिका में हैं, तो वो वहां पे भी वो बिल्कुल जब भी याद करते हैं गुरुजी उनकी उनको आशीर्वाद है वहां पे। और हम उनको कोई 4-5 साल पहले मिलने बेटों को मिलने गए थे बॉस्टन में, तो हमने कहा यहाँ पे कहीं मंदिर होता होगा, कहीं पे कुछ गुरुजी की संगत होती होगी कहीं पे, तो हमने कंप्यूटर में देखा वहीं बॉस्टन में ही वहां पे कोई किसी के घर में था, तो हमने फोन किया। वो कहते जी हाँ ऐसे ऐसे दिन में, पता नहीं थर्सडे था या मंडे था, तो कहते हाँ संगत है तो आप आ जाओ। तो इतना आनंद आया और हम संगत को भी अपना परिवार मानते हैं और गुरुजी भी कहते थे कि संगत परिवार है, और हमको इतना प्रेम मिला अमेरिका में भी। और फिर वो लोग न्यू जर्सी जा रहे थे, न्यू जर्सी में भी कुछ गुरुजी का बर्थडे की सेलिब्रेशन होनी थी, तो वो लोग भी वहां से बॉस्टन से बस वगैरह लेके वो लोग गए थे, तो हम तो नहीं जा सके, हमारा कुछ बना नहीं। मगर अब तो गुरुजी की संगत पूरे दुनिया में है और हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद पूरी संगत पे है। जय गुरुजी। बस दैट्स इट, थैंक यू। अंकल आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप कुछ और सत्संग शेयर करें। और छोटे छोटे सत्संग हैं हमारी, जैसे हमारी मिसेज जाती थी गुरुजी पास, तो गुरुजी फिर एक बार गुरुजी घर भी आए थे, तो गुरुजी ने हमारी मिसेज को बोला कि यू नो कुछ यूट्रस डिसेंड कर जाता है कईयों में, तो वो यूट्रस की गड़बड़ हो जाएगी आपको, तो उन्होंने कुछ एक चम्मच लगा के कुछ उनके बॉडी पे कुछ किया और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सब कुछ आज तक ठीक है। और उनको मिसेस को कुछ ऐसे एलर्जी वगैरह थी स्किन की, तो गुरुजी ने कहा चल तेरा कल्याण कीता, चल तेनु ब्लेस कीता। एंड उस दिन से शी हैड लाइफ लॉन्ग यू नो कभी धूप से एलर्जी हो जाती थी, ज्यादा धूप में जाओ सन ऐसे स्किन हो जाती थी जैसे सन बर्न टाइप हो गया, तो उनको गुरुजी ने बस ऐसे ही बोलना आंटी हुन तेरा कल्याण हो गया बस। सो इट वॉज अ ब्लेसिंग। और आजकल भी हम लोग गुरुजी को ऐसे ही मानते हैं कि बस गुरुजी घर पे हैं, कुछ भी हो प्रॉब्लम कुछ, बस हाथ जोड़ देते हैं, बस गुरुजी अपने आप सब सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, सब सिचुएशन सही हो जाती है। और कहीं भी जाओ गुरुजी की कोई ना कोई संगत मिल जाती है एंड इट इज वेरी वेरी यू नो कंफर्टिंग। और सब गुरुजी का आशीर्वाद है कि
हम बिल्कुल आनंद में हैं और गुरुजी के हम डुगरी भी गए थे। गुरुजी को हमने एक दिन बोला कि गुरु जब छोटे मंदिर में बैठे थे तो हमने बोला, गुरुजी हमने कभी कभी गांव नहीं देखा और हमको किसी टाइम अपने गांव ले चलो, डुगरी ले चलो। तो एक दिन हम एम्पायर स्टेट में गए शाम को संगत के लिए, तो वहां पे गुरुजी बोलते, डॉक्टर अंकल कल आ जाएं सवेरे 6 बजे, हैं डुगरी चलांगे। सो आई वाज सरप्राइज, मेरे तो पेशेंट बुक्स थे सब, ये दूसरे दिन का प्रोग्राम पूरा बना हुआ था। बट आई केम होम, मैंने कहा सब कैंसिल किया और सुबह सुबह 6 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गए और वहां पे 10-15 और गाड़ियां थी और संगत वाले थे, तो हम बस कॉन्वॉय बना के हम डुगरी पहुंच गए। और डुगरी में तो बहुत ही आनंद आया, इतना फर्स्ट क्लास, वहां पे भी गुरुजी के घर के अंदर मंदिर बना हुआ है और गुरुजी ने हमको छत पे ले जाके अपने घर की वहां पे लस्सी वगैरह पिलाई और गुरुजी ने बोला आप लोग इधर सैर करो, वहां पे कोई गांव में एक पॉन्ड है वेरी नाइस। तो उधर पूरे गांव का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लगा और गुरुजी का जो अब घर है उसके पास में ही गुरुजी का पुराना घर है जहां पे गुरुजी पहले रहते थे। एंड वहां पे गए, वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और दर्शन किए गुरुजी के पुराने घर के। तो गुरुजी हमेशा हमारे, गुरुजी संगत का हमेशा ख्याल रखते हैं और संगत का हमेशा कल्याण करते हैं। और हम लोग फिर बाद में काफी सालों बाद फिर भी गए, फिर गुरुजी कहते कि हम यहाँ पे अस्पताल बना रहे हैं गांव में, तो गांव में वहां पे अस्पताल बना और फिर हम वहां पे अस्पताल के लिए इनॉग्रेशन के लिए गए। तो गुरुजी ने हर एरिया जहां पे भी गुरुजी थे उन्होंने वहां पे, और उस अस्पताल में सब कुछ वहां पे है, यू नो सब स्पेशलिटीज और सब डेंटल और ये वो, तो सब वहां पे लोकल लोग आते हैं, अपना उनकी ट्रीटमेंट होती है, उनका कल्याण होता है। और हम लोगों ने इधर बड़े मंदिर में, दिल्ली में बड़े मंदिर के आसपास जितने गांव हैं उन गांव में हम लोग डेंटल कैंप लगाते थे, और जितने आसपास स्कूल हैं उन स्कूलों में भी हम लोग जाते थे और बच्चों को डेंटल कैंप में उनको फ्री यू नो सप्लाइज देते थे, टूथब्रश टूथपेस्ट ये वो, उनको कुछ डेंटल एजुकेशन देते थे और उनको कुछ वहां पे गुरुजी ने बड़े मंदिर के पास एक स्कूल बनाया हुआ है, उस स्कूल में एक डिस्पेंसरी भी है और वहां पे डेंटल कंसल्टेशन भी होती है। तो वहां पे हम लोग आसपास के लोग जो हैं उनको ट्रीटमेंट एडवाइस, उनको जो सप्लाईज देनी है वो सब, तो गुरुजी ने ये पूरा सेटअप करवा दिया है। और एक मोबाइल वैन भी बनवाई गुरुजी ने जिसके अंदर डेंटल क्लिनिक है, और जो मोबाइल उस, क्योंकि वो मोबाइल वैन है बड़ा ट्रक जैसे है तो उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये गुरुजी ने बड़ी लंबी सोच करके और लंबा वो करके ताकि सब लोगों का कल्याण हो। वहां पे अलग अलग और भी डॉक्टर बैठते हैं, तो और स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा है, अब बच्चों के पास इतनी बढ़िया यूनिफॉर्म है और कई बच्चे वहां पे अब पढ़ के और बड़े स्कूल भी जा रहे हैं, तो और उनको फ्री लंच वगैरह मिलता है। तो गुरुजी ने, गुरुजी वॉज अ हैंड्स ऑन पर्सन, अ डूअर, बिल्कुल कुछ कॉन्क्रीट काम करने के लिए सबको बोलते थे और अपना रिजल्ट ओरिएंटेड एंड कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। और अभी हम लोग को
गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा अब इतना बढ़िया हमारा सेटअप बना हुआ है दिल्ली में, और बड़ा मंदिर इतना अच्छा बना हुआ है, तो हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि गुरु जी अभी भी हमारे साथ हैं, और गुरु जी का हम पे अभी भी कल्याण है और अभी भी आशीर्वाद है। जय गुरु जी, जय संगत गुरु जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नीलम आंटी का कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच अंकल, और थैंक यू गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी का। आज मैं बता नहीं सकती हूँ कि आई एम सो हैप्पी टुडे, और थैंक यू गौरव अंकल का और पूरी मैनेजमेंट का फॉर इनवाइटिंग मी, और जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है गौरव अंकल ने उनकी टीम ने, सच में बहुत चुन चुन के आप उनके गुरु जी के टाइम के आप लोग संगत लेकर आ रहे हो, जिसमें गुरु जी का सच में हम लोग इतनी प्यारी प्यारी चीजें सुनने को भी मिल रही है। और आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि टुडे इज माय बर्थडे, और मैं गुरु जी को ऐसी बोल रही थी, मैंने कहा गुरु जी कभी ऐसा मौका होगा कि बर्थडे वाले दिन मैं सत्संग शेयर करूं बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे, और सोची ये बात मैंने किसी को नहीं बोली, अपने किसी फ्रेंड को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, दिस वाज जस्ट बिटवीन गुरु जी एंड मी, यू नो, और आई एम सो हैप्पी टुडे, यू नो, गुरु जी ने मतलब मेरी बात को सुन लिया। और मैं बताती हूँ मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, और बहुत शुक्राना गुरु जी का जो गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया, अपने दर्शन दिए। 2004 में एक्चुअली 2000 से ही मैं बुलावा आ रहा था, लेकिन वही है ना कि जब गुरुजी का बुलावा होता है तभी आप पहुंच पाते हो, लेकिन 2004 साल हम लोगों ने ऐसे निकाल दिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नीलम मैं किसी ना इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा, सॉरी गुरुजी, अब डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला, बट उस टाइम तो यही लगता था कि वो एक इंसान है और ठीक है पावर्स होंगे, लेकिन उनको था कि नहीं मतलब भगवान के मंदिर जाते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो पा रही थी। जैसे मैं बताया गया आंटी हैं तो उन्होंने बोला कि भी आप गुरु जी के माथा टेको तो शादी हो जाएगी, उन्होंने कहा मैं हम लोग भगवानों के इतने माथा टेक रहे हैं और एक इंसान के आगे मतलब माथा टेकने शादी हो जाएगी, मेरे हस्बैंड नहीं गए। 2004 में किसी बात पे मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई, और वो बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गई, वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मतलब मैंने घर छोड़ दिया, और मेरी बेटी उस टाइम 4+ थी, बेटा 9+, और मैं दोनों बच्चों को लेकर निकल गई। तो बस जब मैं घर से निकल गई तो मैंने यही सोचा मैं कहाँ जाऊं, उसी दिन ही मुझे एड्रेस मिला था एम्पायर स्टेट का, तो मैंने उस दिन मदर्स डे था तो मैं बच्चों को मैकडॉनल्ड ले गई घर से, तो इस तरह से निकली मैं कहकर कि मैं जा रही हूँ झगड़े के बीच में, लाइक हस्बैंड ने सोचा चलो थोड़ा इसका भी दिमाग कूल डाउन हो जाएगा, मैकडॉनल्ड से आ जाएगी कोई नहीं अभी। मैं वहां पर संगत जी बस पकड़ती मुझे लगा कि नहीं मेरे को गुरु जी वो आपको बड़ा भगवान करती है, मैं भगवान के पास ही जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरा आप क्या करोगे, मुझे रास्ते नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि एम्पायर स्टेट कहाँ पर है, वो एड्रेस था बस मेरे हाथों में। सोचिए उस वक्त मैं फिर बस पकड़ के कंडक्टर से पूछ कर मैं आई रीच टू एम्पायर स्टेट। मैं जब वहां अंदर एंटर हुई एम्पायर स्टेट में, वहां पे 10-15 अभी आई थिंक सेवादारी होंगे, वहां जैसे ही मैं गई तो गुरु जी का स्वरूप लगा था किचन के बाहर। वहीं से मेरे बाहर से माथा टेका, कभी गुरु जी को देखा नहीं था, बहुत छोटे उसमें मैंने गुरु जी को देखा हुआ था लॉकेट में। मेरे को एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कहा कि अकेले क्यों आई है, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि किसने कहा मुझे, आसपास मैंने देखा कोई मतलब आसपास तो कोई थे नहीं, सब सेवादार अपने काम में लगे होते। फिर एकदम से वही आवाज़ कि अकेले क्यों आई है, मुझे एकदम लगा कि मतलब ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैं अकेले नहीं आ सकते क्या यहाँ पर। फिर मुझे लगा कि नहीं, जैसे आंटी ने बताया था कि मेरे को भी गुरु जी टेलीपैथिकली बात करते हैं, तो हो सकता है गुरु जी ने टेलीपैथी से मुझे बोला हो कि अकेले क्यों आई है। मैंने मन में यही कहा, मैंने कहा गुरु जी आपको नहीं पता कि मैं अकेले क्यों आई हूँ, इन्होंने कितना झगड़ा किया मेरे से, और मैं तो अब मैं आपके यहाँ आ गई, मुझे नहीं पता मेरा क्या करोगे, बट यू नो गुरु जी ने मुझे 5 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल कर दिया कि फोन मतलब फोन करूँ मैं अपने हस्बैंड को। आई कॉल्ड अप माय हस्बैंड, उनको उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना कहा क्योंकि रात के 8 बज चुके थे और इनको ये लगा कि पता नहीं महरौली में किस बाबा के चक्कर में मेरे बीवी बच्चे फंस गए हैं, इस हिसाब से ऑब्वियसली उनको आना था कि अपने बीवी बच्चों को मैं इस बाबा से बचा लूं, बट पता नहीं था कि मेरे से ज्यादा उस बाबा के चक्कर में पड़ जाएंगे। उसके बाद वो आए, और जब गुरु जी तब तक अपने गद्दी पर विराजमान थे, और जब वो गुरुजी आके मतलब वहां बैठे हुए थे, शब्द वाणी चल रही थी, शब्द वाणी, जहाँ गुरुजी का रूम है मैं उसके आगे बैठी हुई थी, तो अंपायर शेड में जैसे आप एंटर करो तो वो सामने गुरुजी का रूम दिखता है, तो मैं उसके आगे थी। मेरे हस्बैंड ने बस मुझे आके देखा, आते मतलब देखा मुझे, एंड ही वाज सो लाउड एंड ही सेड कि चल उठ यहाँ से। क्योंकि गुस्से में बहुत थे कि मैं कहाँ किसके मतलब यहाँ के बैठी हुई, और झगड़ा वैसे ही हो रहा था हमारा 2 दिन से। मैंने उनको इशारा किया कि गुरुजी बैठे हुए हैं, लाइक बैठ जाओ। अभी तो बहुत फिर जोर से मुझे उतने ही लाउड मेरे को बोला चल उठ यहाँ से। मैंने ना मन में एकदम से प्रार्थना की, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, क्योंकि गुरुजी ने हमें जोड़ना था, चाहे मेरे हस्बैंड की बड़ी कमजोरी रही है,
चाय प्रसाद तो मुझे पता नहीं था कि बोलते हैं, मैंने कहा गुरुजी चाय आ जाए इनके ना, मतलब चाय अगर आ गई तो शायद ही बैठ जाएंगे। और वही हुआ, पता नहीं कहाँ से अचानक से सेवादार आते हैं और चाय प्रसाद सामने आ जाता है। हस्बैंड चाय देखते के साथ वो बैठ गए, मैंने कहा चाय पी लो। सो खैर इन्होंने मान ली मेरी बात, माना क्या, वो एक्चुअली चाय के इतने शौकीन है तो चाय देखते हैं, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो चाय जब वो पी रहे थे तो ये गुरुजी को देख रहे थे, इनफेक्ट गुरुजी को देख क्या रहे थे, मेरे हस्बैंड गुरुजी को घूर रहे थे और उनको मैं कोहनियां मार रही थी कि ऐसे गुरुजी को नहीं देखो, मतलब नहीं तो पूछेंगे किसने भेजा है, फिर उनको डांट पड़ जाएगी। नहीं तो अब गुरुजी इनको देखे जा रहे हैं और ये गुरुजी को देखे जा रहे हैं, और मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कहा अभी गुरुजी बुला के ना कहेंगे कि मतलब एक तो इतना लाउड बोले, ऊपर से इस तरह से देखो, ऐसे को देखता थोड़ी है किसी को। सो अब इन बिटवीन शायद ये हुआ कि शायद कोई संगत आई, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया, तो शायद कोई संगत आई होगी तो गुरुजी उन्होंने माथा टेका, तो वो उस वक्त मेरे हस्बैंड का और गुरुजी का ध्यान बढ़ गया। सो अब वो जैसे होता है ना कि लाइक हम चाय पी रहे हैं तो थोड़ा सा आईज क्लोज कर लेते हैं, तो हस्बैंड ने वैसे किया। और उसके बाद में थोड़ी देर में मैंने नोटिस किया कि चाय उनकी खत्म हो गई, वो फिर भी थोड़ा शांत हो गए। तो मैंने उनको धीरे से बोला, मैंने कहा एक्चुअली लंगर भी करना होता है क्योंकि वो तो बैठने नहीं दे रहे थे वहां पर। सो इन्होंने कहा ठीक है, मान गए। मैं बड़ी हैरान कि जो मतलब बैठने को तैयार नहीं था वो कैसे बैठ गया, ऐसा क्या हुआ, बट मुझे तब पता नहीं था तब तक क्या हुआ, वो मैं बताती हूँ अभी आपको। उसके बाद हम लोगों ने लंगर भी किया, फिर इनसे मैंने कहा कि मुझे बताया गया कि इसके बाद आज्ञा भी लेनी होती है गुरुजी से। सो उन्होंने बेटी को गोदी में लिया और कहते नहीं तो आज्ञा लेकर आ जा, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना भी कम नहीं था कि हम लोगों ने लंगर कर लिया गुरुजी के सामने और सब कुछ हो गया। सो ठीक है, फिर मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने गई मैं। तो बस मेरे को दिमाग में बस यही हो रहा था कि मैं गुरुजी इनसे मेरी क्यों लड़ाई हुई, मैं आज आपसे यही पूछना है। मैं तो इतनी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ लाइफ में। सो बट मैंने जैसे मैंने गुरुजी के माथा टेका, सो गुरुजी ने कहा फोर दस। सो मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे लगा एकदम से कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती रहती है। सो मैंने कहा नहीं गुरुजी, वो ना सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो। तो गुरुजी कहते हैं हाँ ठीक है, तो फोर दस। मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस आप शादी करा दो। तो मैंने ना बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, तो गुरुजी ने कहा कि पहले तो ये ना रिंग्स उतार कर आना तब बात करना। सो गुरुजी वही कहते हैं, गुरुजी कभी किसी वहम में नहीं डालते संगत जी, गुरुजी ने पहले दिन ही मेरी सारी रिंग्स उतरवा दी थी। उसके बाद फिर गुरुजी कहते हैं तो और दस। बस मुझे लगा, मैंने कहा नहीं गुरुजी बस, मतलब मुझे तो खाली शादी हो जाए, क्योंकि उस टाइम वही सबसे ज्यादा हमारा पॉइंट था कि जिस टाइम लोगों की शादी हो जाए। सो फिर गुरुजी कहते नहीं तो और दस। अच्छा तो की कर दी? मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, बीडीएस डॉक्टर हूँ। अच्छा की नाम तेरा? मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। हस्बैंड की करता? तो गुरुजी ने सारा बच्चे क्या करते हैं, क्लिनिक कहाँ पर है, क्या है, सब कुछ मेरे से पूछा, कहाँ रहते हो। सो आई थॉट कि शायद डे वन है मेरा, तो गुरुजी मतलब शायद ऐसे रूटीन होता होगा गुरुजी सबसे बात करते होंगे, बट बहुत शुक्राना गुरुजी के जो आपने मेरे को इतनी मेरे से बात कर ली। और फिर जब मैं उठने लगती थी जैसे आगे लेने के लिए, जैसे मतलब मुझे ऑफिस उठना तो था ही वहां से, तो जैसे ही मैं कुछ उठने लगती एकदम गुरुजी मेरे को फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, फिर मैं उसका जवाब दे देती। फिर एकदम से कहते हैं अच्छा बीडीएस डॉक्टर? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते बीडीएस फुल फॉर्म आंधी है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं दस? मैंने कहा गुरुजी ये बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते एनी ओंदी। सो मेरे को एकदम से लगा कि इतने सालों में कहीं मैं भूल तो नहीं गई, और मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। सो कहते एनी ओंदी, और मैं कह रही हूँ नहीं गुरुजी यही होती है। गुरुजी कह रही एनी ओंदी, और बड़ा वहां खड़े खड़े सोच रही हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बीडीएस की। सो फिर गुरुजी फिर ने वही कुछ पूछना शुरू कर दिया गुरुजी ने, अच्छा कहाँ रहते हो, मतलब वो क्वेश्चन कुछ कुछ बीच में पूछते जा रहे थे, किसने भेजा है, क्या है, तो मैं सब बताती जा रही थी। सो उसके बाद फिर गुरुजी कहते हैं, काफी देर हो गई, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाती हूँ इसको। सो बहुत देर तक गुरुजी और मैं यही बात करते हैं, फिर गुरुजी कहते हैं नहीं बीडीएस की फुल फॉर्म होती है 32 दांदा दा सर्वनाश। सो मेरे को संगत जी आज बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी ने कैसे बोला, यू नो उनका वो स्माइलिंग फेस और सब कुछ, बट उस टाइम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मेरे को लगा क्योंकि जो आंटी मुझे जिन्होंने मुझे बताया था वहां पे भेजा था, तो उन्होंने कहा था मुझे कि उनके भी ब्रदर इन लॉ को गुरुजी ने ऐसे ही बोला था 32 दांदा दा सर्वनाश। सो भी खराब डॉक्टर होगा इसलिए बोल दिया होगा, उनको भी समझ नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी ऐसे ही बोल दिया गुरुजी ने, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। सो गुरुजी कहने आई होती है। अच्छा तो होर दस तेनों की चाहिदा? एकदम से गुरुजी ने कहा। सो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा नहीं गुरुजी बस, मतलब मुझे था कि बस और क्या, गुरुजी से शादी के लिए गुरुजी ने बोल ही दिया और ये बोल दिया कि सिस्टर इन लॉ को लेकर आना, तो ठीक है मैं नेक्स्ट वीक उसको ले आऊंगी। सो फिर गुरुजी कहते तो होर दस तेनों की चाहिदा? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी बस। फिर गुरुजी फिर बोले, फिर मेरे पास मेरा बेटा ही खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा है इसको ब्लेस कर दो, नहीं तो होर दस तेनों की चाहिदा? मैंने कहा गुरुजी बाहर मेरी बेटी है इसको ब्लेस कर दो, नहीं तो होर दस तेनों की चाहिदा?
मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड उनको ब्लेस कर दो, नहीं तो होर दस तेन की चाहिदा, इनका गुरु जी मुझे ब्लेस कर दो, नहीं तो होर दस तेन की चाहिदा। और संगत जी बिलीव मी गुरु जी ने इतनी बार मेरे से पूछा, और आज मैं सबसे मतलब सच में मुझे आई जस्ट गेट द गूज बम्स के गुरु जी कितनी बार आपने मेरे से पूछा था, देखो अभी भी आई जस्ट गेटिंग अ गूज बम्स कि गुरु मेरे सामने मेरे को देने के लिए बैठे हैं। और खैर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा गुरु से कुछ नहीं मांगा, कोई ऐसी चीज नहीं मांगी, कोई मेटल चीज नहीं मांगी, मेरे गुरुजी मेरे को ब्लेस करते रहे बस। हाँ कई बार ये लगता है कि शायद वो जैसे गुरुजी कहते हैं ना असली चीज कोई नहीं मांगता, गुरुजी को मांग लिया होता या वो और भक्ति रस मांग लिया होता, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि मैंने गुरुजी से सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगी। तो ऐसे हम गुरुजी के पास जाते रहे, और जब गुरुजी के पास जाया करते थे तो गुरुजी का बड़ा पेट था मेरे को ऐसी बत्ती दाना सर्वनाश बोलने के लिए। सो एक बार मैंने कुछ सोचा और मैं एक बार सोच के गई, सो मैंने कहा एंड गुरुजी ने जैसे मुझे देखा और बोला, मैंने कहा नहीं गुरुजी इसका मतलब ये होता है 32 दांतों का सही इलाज वो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला, मैं कर सकूं इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो शायद गुरुजी ये मुझे बुलवाना चाहते थे, तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत खुश हुए गुरुजी। बट लेटर ऑन आई केम टू नो कि एक गुरुजी शायद बीडीएस की फुल फॉर्म उनका सबको यही बोल रहे, जितने बीडीएस डॉक्टर वहां जाते थे कईयों को पता भी होगा, बोला भी गुरुजी ने ऐसे 32 दांतों का सर्वनाश, और उनकी आदत थी गुरुजी की जैसे आईएएस वाले वो बोल रहे थे आई एम सॉरी, तो बहुत सारी गुरुजी ने खैर फुल फॉर्म बनाई हुई थी सबकी अलग अलग। फिर अब ऐसे हम गुरुजी के पास जाते रहे। सो जो मैं आपको बता रही थी कि जो हस्बैंड जब थोड़ा सा कैसे जब वो थोड़ा उनका पैनिक वो जब चीजें कम हुई तो मुझे बाहर आके मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नीलम मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ना कोई तेरे को पता अंदर क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, कहते जब मैं वहां बैठा हुआ था और ऐसे ऐसे था मैं चाय पी रहा था और मैंने थोड़ी सी अपनी आंखें ऐसी क्लोज की क्योंकि संगत के बीच में आ गए थे, ही टोल्ड मी लेटर ऑन। सो कहते हैं कि हुआ ये कि मैंने वहां देखा कि वहां ना कोई अंपायर स्टेट है ना कोई संगत बैठी है, कोई नहीं बैठा हुआ वहां पे, सिर्फ गुरुजी विराजमान है और गुरुजी जो है इस यूनिवर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। सो मैंने कहा यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि मुझको बिलीव नहीं हो रहा था। कहते हाँ गुरुजी जो है ही इज अ सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, और उनके आगे पीछे जितनी भी जितनी कहते हैं ना जितनी आकाश गंगा है व्हाट एवर यू थिंक अबाउट आवर यूनिवर्स, इतना ब्रह्मांड है वो गुरुजी के आसपास घूम रहा है और गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और यू नो गुरुजी तो है ही इज अ यूनिवर्स, ही इज अ सुप्रीम ऑफ द यूनिवर्स। और जब उन्होंने देखा तो मेरे हस्बैंड को ये लगा कि ये कोई साधारण इंसान तो है नहीं, महापुरुष हूं, चलो मैं बैठ जाता हूँ, इसलिए वो बैठे रहे और फिर हम लोगों ने लंगर किया। तो उसके बाद तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत एडिक्शन हो गया। मेरे हस्बैंड तो इज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, वो तो कभी मतलब उन लोगों में से है जो बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से, वो तो कभी मतलब झुकते ही नहीं, बट शायद वो गुरुजी को पता था और शायद गुरुजी ने इसीलिए उनको डे वन ही अपना वो रूप दिखा दिया था कि वो गुरुजी कौन है। बहुत शुक्राना गुरुजी जो आपने हमें जोड़ा। फिर संगत जी इसके बाद हम लोग वहां जाना शुरू हो गए गुरुजी के पास। उसके बाद आज मेरा बर्थडे है तो मुझे बर्थडे का अपना याद आ रहा है, 2004 के अंदर जब मेरा बर्थडे आया सो मेरे मन में एक इच्छा थी। मैंने कहा गुरुजी आज ना मेरा बड़ा मन है, जैसे गुरुजी से गिफ्ट मांगते हैं ना कि गुरुजी आप क्या गिफ्ट दोगे मेरे को, सो छोटी छोटी चीजें होती हैं मतलब, तो बस मेरा गिफ्ट ये था उस दिन गुरुजी से मांगने का। मैंने कहा गुरुजी आज ना मुझे आपके पास बैठ के लंगर करना है। लेकिन कैसे बैठे क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो जाया करते थे, जैसे मेरे बच्चों का आफ्टरनून शिफ्ट स्कूल हुआ करता था तो वो स्कूल से बच्चे शाम को आते थे, फिर घर लाना कपड़े चेंज करने उसके बाद वो काफी लेट पहुंचते थे एक्चुअली मंदिर। तो उस दिन भी ये हुआ कि जब तक हम पहुंचते थे तो बहुत लोग मतलब काफी लोग वहां बैठे होते थे, संगत बैठी होती थी। सो जब हम लोग वहां गए तो वही शब्द वाणी चल रही थी और वो करके, और मेरे मन में ये था मैंने कहा गुरुजी आज तो मेरा बर्थडे है, बहुत मन है मेरा। गुरुजी से मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरे मन में मैंने अरदास लगाई अपनी। सो मैंने कहा नहीं तो बहुत मुश्किल है, और फिर ऑब्वियसली गुरुजी के आसपास तो काफी संगत जैसे बैठा करते थे तो कई बार वो सत्संग शेयर कर रहे होते थे, चार पांच आंटियां या अंकल, और गुरुजी इनको बोल रहे होते थे शॉर्ट भी सुनाई। सो खैर वो बड़ा मुश्किल होता था वहां उधर बैठना, बट यू नो जैसे गुरुजी सब जाने जाने हैं, सब जानते हैं उनके मन में क्या है क्या नहीं है। सो जैसे ही बस मैंने माथा टेका एकदम से अनाउंसमेंट हो गई, जबकि थोड़ा लंगर में अभी टाइम था, अगर टाइम के हिसाब से हम देखें तो उसी वक्त ही हो गया कि लंगर लगने वाला है मतलब। तो जैसे ही लंगर लगता था तो ऑब्वियसली जैसे बीच में वो चटाई मैट भी जाया करता था और जो संगत थोड़ा इकट्ठी होती थी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा इधर उधर हो जाते थे। और आप मानोगे संगत जी, बिलीव मी कि लाइक जो एरिया था जो गुरुजी के बिल्कुल फर्स्ट वाला जो था गुरुजी के साथ वाला, वहां अचानक से कोई भी नहीं था और हमारी पूरी फैमिली वहां बैठी और हम लोगों ने बैठ के वो लंगर किया। और मैं बता नहीं सकती कि मतलब उस दिन कितनी मैं खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी कैसी है मतलब, वो आई थिंक फर्स्ट टाइम ही था और उसके बाद दोबारा हम उस तरह का मौका नहीं मिला। हाँ वहीं हम बैठते थे गुरुजी के आगे, बट वो जो गुरुजी के पास सबसे फर्स्ट नंबर में बैठने की मेरी अरदास थी वो गुरुजी ने सुन ली। सो ऐसे ही गुरुजी हमारे महाराज हैं, वो सब कुछ जानते हैं आपके मन में क्या है क्या नहीं है।
ऐसे ही एक बार हम गुरुजी के सामने वहां बैठे हुए थे, तो मैं गुरुजी के राइट हैंड साइड पे बैठी थी और लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब सारी संगत तो बैठे हुए थे। सो लंगर स्टार्ट हो गया था, तो लंगर अभी सामने जो हमारे सामने रोती उनका स्टार्ट था, तो वहां बैठी हुई थी महबूबा मुफ्ती जी। सो उनका लंगर आ चुका था, एंड वी वर वेटिंग फॉर द लंगर। सो गुरुजी उनको देख के कहते हैं, चल तू दो चपाती और खा ले, तेको सीएम बना दूंगा। एंड आई वॉज थिंकिंग, गुरुजी दो चपाती खिला के सीएम कैसे बना देंगे? नए थे, नया कुछ आइडिया नहीं था, और मैंने कहा मतलब सीएम कैसे बन जाएंगी, तो दो चपाती से सीएम बन जाएंगी? कह रहा नहीं वे, देखिए वो बनी भी बाद में। सो एनीवेज, लेकिन जब वो लंगर करके जाने लगी तो मे बी शायद वो मुस्लिम है, तो उन्होंने जो भी गुरुजी को कहा होगा, तो गुरुजी ने उनके उसमें कहा कि वालेकुम सलाम आंटी। सो और मैं जैसे ही गुरुजी ने उनको बोला वालेकुम सलाम आंटी, ना पूरे अदब के साथ हाथ उठाते हुए जैसे बकायदा बोला जाता है इसके अंदर, और मैं गुरुजी को देखती रह गई। मैं तो बिल्कुल गुरुजी पे एकदम फिदा हो गई। मैंने कहा गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हो ना, इतने क्यूट लग रहे हो, वालेकुम सलाम आंटी, मतलब कितने अच्छे लग रहे हो बोलते हुए। मतलब मैं वो भूल नहीं पा रही हूँ संगत जी, कितने साल हो गए इस बात को, ये 2004 की बात है आई थिंक। सो तब से लेके देखिए अब तक मेरे को वो हैंगओवर अभी तक नहीं होता है उस चीज का। तो मैं बस ये सोचते जा रही हूँ, मुझे लगा कि नहीं वो तो उनके अपने उनकी लैंग्वेज की है ना, वो अपने बीइंग मुस्लिम, तो शायद गुरुजी ने उन्हीं चीज में उनको जवाब दिया होगा, बट गुरुजी मुझे क्यों बोलेंगे ऐसे ना। और मैं बस मैं सोचती जा रही हूँ, खैर माथा टेका मैं अपने घर आ गई। और लेकिन पूरा हफ्ता जब तक नेक्स्ट वीक मैं गुरुजी के पास गई हूँ, यही सोचती रही कि गुरुजी इतने प्यारे लग रहे थे ना आप, लेकिन मुझे क्यों बोलोगे ना आप ऐसे। बट सोचती ना मतलब पूरा हफ्ता निकल गया। फिर जब नेक्स्ट वीक मैं गुरुजी के पास आई और जैसे मैंने माथा टेका, तो गुरुजी मुझे कहते हैं वालेकुम सलाम आंटी। सो यू नो मतलब ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं थी, सिर्फ ये गुरुजी और मेरे बीच में सब चल रहा था कि मैं गुरुजी को मतलब वो मतलब पूरा बलिहारी जा रही थी मैं उस बात पे गुरुजी को। वो मैं भूल अभी भी मेरे को पूरा वो सब याद आ रहा है, जैसे गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए वो सब मतलब बोल रहे हैं और करके, जैसे मुझे गुरुजी का वालेकुम सलाम आंटी ना वही अदाओं से वही आंखें ऊपर करके, और यू नो सच में बहुत बहुत ही प्यारे हमारे गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी का। सो गुरुजी देखिए सब जानते हैं, उनको सब कुछ पता है संगत जी। एक बार ऐसे ये हुआ कि मैं जब गुरुजी का माथा टेकने लगी, सो मैं सोचती जा रही कि गुरुजी कभी आपने तो सब कुछ मेरे से सब कुछ पूछ लिया, हमेशा पूछ लेते हो, लेकिन कभी वो तो मेरे बारे में कभी नहीं बताया ऐसा कि लाइक जैसे मुझसे कभी कुछ आपने पूछा ही ना हो और वो चीज मुझे बोली हो। सो ये मैं सोचती जा रही हूँ, और जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी हमसे कहते हैं, हाँ भाई फिर तू मौलाना आजाद से है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं अच्छा, मतलब ऐसे ना इशारा करके, क्योंकि मेरे कॉलेज का नाम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि ये तो गुरुजी ने कभी पूछा ही नहीं था। तो सोचिए इतने कॉलेज हैं दुनिया में, किसी भी कॉलेज में पढ़कर आ सकती थी, बट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, तो मतलब कॉलेज का नाम तो नॉर्मली बहुत कम लोग आपको सबको पता है, कोई ज्यादातर पूछता नहीं है। तो बताने का मेरा यही तात्पर्य है कि लाइक गुरुजी को सब पता है। ऐसे गुरुजी मतलब इतनी चीजें हैं गुरुजी के बारे में, मतलब कई बार। सो एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग जब मेरे बेटे का बर्थडे था और मेरी डॉक्टर, हम दोनों मैं इकट्ठे मनाया करती थी बच्चों का, एग्जाम्स की वजह से आसपास ही पड़ता है। उस दिन भी हम लोग घर पे मना रहे थे, और तभी मेरे को फोन आता है आंटी का कि तुम बर्थडे वहां पे नहीं गए, मंदिर नहीं गए तुम? तो मैंने कहा नहीं, हम लोग घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे तुम गुरुजी के पास जाना चाहिए था। सो मैंने तो सब पैकअप किया, मैंने कहा नहीं बस हम तो गुरुजी के पास जा रहे हैं। और हम लोग वहां पहुंचे गुरुजी के पास रात को अंपायर स्टेट, आई थिंक 11:30-12 बजे बज गए होंगे हम लोग, क्योंकि उस दिन बरसात ही बहुत तेज हो रही थी। सो वहाँ एक सेवादार आंटी खड़े थे, तो कहने लगे कि आंटी बहुत लेट आए हो और गुरुजी अपने रूम में जा रहे हैं, तो प्लीज दर्शन नहीं हो सकते, अब आप अपने घर जाइए, और आज तो वैसे ही गुरुजी बहुत ज्यादा गुस्से में है, सो प्लीज आप अपने घर जाइए। सो मैंने कहा आंटी प्लीज बच्चों का जन्मदिन है, देख लो अगर हमें आशीर्वाद मिल जाए। तो कहते आंटी वो नहीं हो सकता, बस इतना आशीर्वाद आपको मिल जाएगा कि गुरुजी अपने रूम में जा रहे हैं, लगे हैं, जितने पीछे से बैक उनकी देख लोगे बस वही आशीर्वाद है आज। तो वही हुआ, गुरुजी अपने रूम में गए और हम लोग बाहर से माथा टेका, और बहुत मेरी आंखें नम हो गई कि गुरुजी 5 मिनट पहले भी आ जाते तो शायद हम लोगों को दर्शन हो जाते, बट गुरुजी जान ही जाना है, वो जिसपे कृपा कर दें उनका मतलब, तो बस उनकी कृपा की जरूरत है यू नो। तो तभी एक आंटी वहां बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप एक काम करो अंदर चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा डांट ही पड़ जाएगी ना। सो मैंने कहा ठीक है, हम लोग अंदर चले गए, हमने कहा डांट ही पड़ जाएगी। अच्छा उससे पहले जितने सेवादार निकल रहे थे, क्योंकि सब वाइंड अप हो रहा था, और जितने सेवादार निकल रहे थे बाहर वाले भी और अंदर वाले भी, वो सब हमसे बार बार यही पूछते जा रहे थे आंटी लंगर किया लंगर किया। और मैंने सबको यही जवाब दिया, अंकल हम लोग पूरा फुल हैं, बच्चों का जन्मदिन था और हम लोग लंगर नहीं करेंगे, बस गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। तो कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता।
तो खैर हम लोग अंदर गए, जब हम लोग अंदर बैठ गए तो वहां पर मेनका गांधी आंटी बैठे हुए थे, तो मैं उनसे बात करने लगी कि मेनका आंटी आपकी वजह से ना मेरा नॉनवेज छूट गया, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से यू थैंक्स। सो उन्होंने पूछा फॉर व्हाट, तो मैंने बताया कि आंटी ऐसे से बात थी, जो भी था उनका मेरा, मैंने उनको सब बताया। अब देखिए गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज जी अपने रूम से निकल कर आते हैं, और रूम से निकल कर आए और वो बैठे, और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मुझे बता दिया गया था कि गुरु जी बहुत गुस्से में है, सबको बहुत डांट पड़ रही है आज, बट गुरु जी ने इतनी मेहर बरसाई, उस दिन इतनी मेहर बरसाई। सो इधर से मेनका गांधी आंटी ने उनको बोला कि गुरु जी आपको पता है शी लव द नॉन वेज, तो गुरु जी कहते हैं वधिया किता। तो गुरु जी का ध्यान इस तरह मेरी तरफ गया, गुरु जी का ध्यान तो वैसे मतलब हमेशा ही होता है, खैर हर किसी पर ही है, पल पल है। सो फिर गुरु जी काफी देर वहां बैठे रहे, और उसके बाद काफी देर बाद गुरु जी ने इशारा करके हमें बुलाया। तो देखिए जैसे मैं सबको मना कर रही थी, सब से पूछ रहे थे आंटी लंगर किया, और मैं मना कर रही थी, तो गुरु जी कहते लंगर किया, मैं कहा नहीं गुरु जी, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरु जी हम लोग पूरा फुल है, गुरु जी कहते पहले लंगर कर कराओ फिर बात करना। सो मैं किचन में गई भागी भागी, मैंने कहा अंकल मैंने आपको बताया ना पूरा फुल है, प्लीज एक चपाती प्रसाद देना, ज्यादा हम लोग ले नहीं पाएंगे, पूरा फुल है। कहते ठीक है आंटी। अब जब लंगर प्रसाद की थाली आती है, संगत जी बिलीव मी, नॉर्मल जो लंगर प्रसाद होता है चार लोगों का, उस दिन डबल लंगर प्रसाद था। तो सोचिए गुरु जी सामने बैठे हैं, कोई और संगत साथ में बैठी, डबल लंगर प्रसाद है, बच्चे और हस्बैंड मेरी तरफ देखने की, बोला था ना कि एक चपाती प्रसाद के लिए ये क्या, और फिर ऊपर से चार ग्लास चाय के भी आ गए, पूरे पूरे भरे हुए, नॉर्मली लोग तो थ्री फोर्थ होता था। और मेरे बच्चे इशारा करे कि खाओ, और मैं गुरु जी की तरफ देख रही हूँ, गुरु जी स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ, और मेरे को लगा कि अब क्या करें, मैं कहा प्लीज खाओ। और सोचिए संगत जी इतना सारा लंगर गुरु जी ने, देखिए गुरु जी सामने बैठे मुस्कुराते जा रहे हैं और हम लोग खाते जा रहे हैं, बिलीव मी वो सारा लंगर कब हम लोग खत्म कर गए पता नहीं, बट ये कई बार मुझे बाद में रियलाइज होते हैं कि सोचिए उस दिन आधी रात हो चुकी थी और मेरे रब वहां पे सामने बैठे हुए हमें लंगर करा रहे हैं मेरी फैमिली को, और देखिए कब जब तक हम लोग वहां बैठे रहे हैं लंगर करते रहे हैं गुरु जी नहीं उठे वहां से। ये तो होता है ना कि चलो अपने रूम में चले जाते या कुछ था, पूरा लंगर उन्होंने हमें जब तक फिनिश कर लिया है उसके बाद वहां गुरु जी बैठे रहे हैं। सोचिए ऐसे भगवान ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे, मतलब मैं तो सोच के बात लगती हूँ कि आज मुझे ध्यान आता है कि हम कब गए थे और कितना टाइम हो गया था, क्योंकि ये सब बातें हुई इतना कुछ हुआ उसके बाद आधी रात से भी ज्यादा टाइम शायद हो गया था, और आधी रात को गुरु जी हमें लंगर करा रहे हो वहीं बैठे हुए। उसके बाद हम लोगों ने लंगर किया, फिर हम लोग काफी देर वहां बैठे रहे, फिर गुरु जी ने बुलाया, फिर गुरु जी ने बहुत सारी बातें की, बहुत बातें की गुरु जी ने हमसे, और फिर गुरु जी ने कहा कि तू अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, उनको मैं ब्लेस करूंगा। तो मैं अपनी फ्रेंड्स को अपने बहुत सारे पेशेंट्स को लेकर आई गुरु जी के पास, और अभी जो भी मतलब कुछ बोलता है मेरे पेशेंट्स तो मैं तो गुरु जी के पास भेज देती हूँ, तो बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने, बहुत सबको बहुत ब्लेस किया, किस उसकी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स थी। सो मैं पेशेंट्स वाला फिर कभी शेयर करूंगी। सो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। सो जब हम लोग निकलने लगे तो उससे पहले बता दूं कि मेरे बेटे को ना बड़ा शौक चढ़ता था कि मम्मी जब गुरु जी लॉकेट बांटते हैं ये किसको मिलता है। मैंने कहा बेटा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के गले में है कुछ लोगों के गले में नहीं है। सो वो सबसे जाके पूछता था कि आंटी लॉकेट किसने दिया आपको, तो वो कहते थे बेटा हम तो गुरु जी ने दिया है, कि मुझे कब मिलेगा। कहते बेटा हमें तो पता नहीं, क्योंकि ऐसे तो वहां बढ़ते नहीं थे, सिर्फ गुरु जी के हाथ से ही आपको वो प्रसाद मिलता था, गुरु जी का लॉकेट या गुरु जी का कुछ भी मिलेगा तो गुरु जी के हाथों से मिलता था आपको। सो सारे उसको मना कर देते थे, तो बड़ा कहता था मम्मी गुरु जी से आप बात करो, गुरु जी से तो आपको आपसे तो इतनी बातें कर लेते हैं, तो आप एक बार मांगो। मैंने कहा नहीं बेटा मैं गुरु जी से कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ मैंने जिस दिन ब्लेसिंग्स बोली है बस मैं गुरु जी से कुछ नहीं मांगूंगी। खैरानी भी वो बड़ा मतलब ऐसे रोता फिरता था कि मेरे को चाहिए मुझे चाहिए। सो खैरानी भी गुरु जी तक ये बात नहीं पहुंची, बट गुरु जी जाने जाने ना, तो देखिए उसने दोनों बच्चों का मैंने बताया बर्थडे मैंने मनाया था। सो जब हम लोग निकल गए वहां से, तब एक सेवादार अंकल आए कि डॉक्टर आंटी आपको गुरु जी बुला रहे हैं। तो सोचे इतना प्यारा लगता है ना मुझे जब उन्होंने कहा गुरु जी बुला रहे हैं, ना रब ने खुद कहा कि उनको बुला के लेकर आओ डॉक्टर आंटी को। सो मैं अंदर गई, मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। सो गुरु जी ने एक एनवलप दिया, उसमें लिखा था गुरु जी ने अपने हाथों से अपने गुरु जी लिखा, ईयर लिखा अक्टूबर 2004 गुरु जी, और के लिए आंटी। सो बहुत जिज्ञासा थी कि इसमें क्या है। सो जब एनवलप खोला तो संगत जी जो लॉकेट मेरा बेटा सबसे मांगता फिरता था, उसमें दो लॉकेट थे गुरु जी का स्वरूप, मतलब सोचिए कितना शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी को पता था इसके बर्थडे पे दूंगा तो ये बहुत खुश होगा, और वही हुआ। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी की, ऐसी गुरु जी की बहुत कृपा है। ऐसी मैं अपने बेटे का बताती हूँ कि एक बार उसका, जैसे वो बच्चे मैंने बताया आफ्टरनून शिफ्ट में मेरे बच्चे पढ़े हैं, सो उसका बच्चे बहुत ना बोली करते थे कि तू आफ्टरनून शिफ्ट में पढ़ता है, हम तो मॉर्निंग स्कूल में जाते हैं। तो वो कहता था मम्मी मुझे ना इसमें आफ्टरनून में पढ़ना अच्छा नहीं है, तो आप गुरु जी से पूछो मेरा स्कूल चेंज करवा दो। सो मैंने एक बार गुरु जी जाके सारी बात बताई,
तो गुरुजी कहते हैं स्कूल चेंज नहीं होगा, जबकि हमने हस्बैंड ने डीपीएस आरगीपुरम के लिए बात भी कर ली थी, सब कुछ हो गया था, बट जब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी कहते स्कूल चेंज नहीं होगा। सो अब गुरुजी ने बोला स्कूल चेंज नहीं होगा तो मतलब ही नहीं कि स्कूल चेंज करते हैं हम लोग, ये बड़ा रोया कि हमें दोबारा गुरुजी से पूछो। मतलब बेटा दोबारा गुरुजी से नहीं पूछते, गुरुजी ने एक बार जब बोल दिया वो बोल दिया। सो उसके बाद अब देखिए वो जो स्कूल था वो 10th तक था एक्चुअली। सो जब मैं 10th में आया तो बड़ा खुश था कि मम्मी चलो अच्छा है कि मेरे को ना आफ्टरनून में पढ़ना नहीं था, दो साल तो कम से कम मैं मॉर्निंग स्कूल में जाऊंगा, ये तो मेरा ना स्कूल चेंज करवा देना। सो अब तो गुरुजी ये तो 10th तक ही है ना। सो मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ तो बात इसकी जेन्युइन लगती है, बट आप तभी अनाउंसमेंट हो जाती है स्कूल में कि स्कूल जो है अपडेट हो गया है 12th क्लास तक। तो अब ये फिर बड़ा रोया कि मम्मी तो गुरुजी ने क्या किया। तो मैं कहा देखो बेटा अगर गुरुजी ने बोला था स्कूल चेंज नहीं होगा, स्कूल आपका अपडेट हो जाता है 12th तक, इसका मतलब आफ्टरनून में पढ़ना ही ठीक है। और देखिए जैसे मेरा बेटा स्कूल से निकला है और वापस स्कूल जो है 10th तक हो गया, तो गुरुजी के देखिए वर्डिंग्स थी कि स्कूल चेंज नहीं होगा, तो देखिए कितने साल बाद भी वो स्कूल अपडेट होता है, सिर्फ मेरा बेटा उस टाइम में पढ़ता है और वापस स्कूल जो है वापस 10th तक आ जाता है। सो गुरुजी को शायद पता था या जो भी रीजन लगा लीजिए, वो गुरुजी को बेस्ट नोन है कि कैसे मतलब किसका क्या कल्याण करना है। तो बहुत बहुत गुरुजी की कृपा रही है, बहुत ज्यादा कृपा रही है। ऐसे ही एक बार गुरुजी बैठे थे, मुझे एकदम से ये बात याद आई, हम लोग जब मैं वहां माथा टेकने लगी तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने ऐ नहीं समझ आता कि सारे के सारे डॉक्टर अगर इतने आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, मुझे कहा गुरु जी ने मुझे बोला कि मतलब मैं या तो पेशेंट छोड़कर आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ था ऐसा। और तो गुरु जी कहते नहीं मैंने ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे, गुरु जी ने ऐसे इशारा किया कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इधर आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो उस दिन बाई चांस सारी संगत डॉक्टर्स बैठी थी वहां पर, और जब मैंने ऐसे आसपास देखा तो सारे डॉक्टर्स ऐसे झेपते हैं ना, सब झेप रहे थे कि गुरुजी ने सबको कहा, और ऐसे गुरुजी ऐसे करके बैठ के देख रहे हैं कि लाइक यू नो तुम सारे डॉक्टर अगर ऐसे बैठ जाओगे तो कौन इलाज करेगा। तो संगत जी ये बात ना मैं कोई ऐसे ध्यान नहीं थी, बस ये पेंडेमिक टाइम में मुझे लास्ट ईयर याद आई, क्योंकि पेंडेमिक में सबको पता है कि सारे डॉक्टर्स काफी सारे डॉक्टर्स घर बैठ गए थे, स्पेशली हम डेंटल सर्जन तो बिल्कुल ही बैठ गए थे। तो मैंने कहा एकदम से याद आया कि गुरुजी ने एक बार बोला था कि तुम अगर डॉक्टर्स घर बैठ जाओगे तो मरीजों को इलाज कैसे होगा। सो मुझे वही लगा कि गुरुजी लेकिन मैं इलाज कैसे करूं, इसमें तो हम जा नहीं सकते और डेंटल सर्जन को तो वैसे ही हाई रिस्क है, ये तो बिल्कुल ही बंद पड़े हुए सारे, बहुत इमरजेंसी में कोई देख रहा है तो देख रहा है, अदरवाइज तो सारे सब मतलब क्लिनिक सब बंद पड़े हुए। सो बस वो दिमाग में घूम रही थी मरीजों का इलाज कैसे होगा। सो वो शायद गुरुजी ने उस टाइम में दिमाग में वो चीज डाली थी या कहो कि मेरे गुरुजी का ही आशीर्वाद है, बस मेरे दिमाग में थॉट आया कि नहीं मुझे कुछ पेशेंट्स के लिए कुछ काम करना चाहिए। सो मैंने बोला मेरे का गुरुजी लेकिन मेरे को कैसे करूं क्या करूं। तो ऐसे लेटी लेटी दिमाग में थॉट आया कि मैंने कहा कि देखो जिंदगी के अंदर पेंडेमिक ने ये बात बता दी है कि तुम्हारा धन दौलत रिश्ते नाते कोई कुछ नहीं है, या तो तुम्हारा गुरु काम आ रहा है या फिर तुम्हारी हेल्थ काम आ रही है। सो जो हम कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि आज का जो पैसा भी है वो भी तुम्हारा एक मतलब हेल्थ है, मतलब यानी कि पैसा भी कुछ नहीं है, यानी वेल्थ भी है ना, यानी आर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आर हेल्थ। सो अचानक से ये मेरे सामने कुछ ये चीजें आई और मेरे को लगा, मैं गुरुजी से बोल रही थी मैं, गुरुजी अगर मैं कुछ लाइव सेशन करती हूँ कुछ करती हूँ क्या नाम रखूँ पेज का या ऐसा क्या मतलब करूँ। सो देखिए वेल्थ इज हेल्थ करके मेरे को दिमाग में गुरुजी ने डाला और मैंने फिर वो लाइव सेशन शुरू किए, लोग समझाना शुरू किया कैसे होता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी, जो जो गुरुजी मेरे को मतलब दिमाग में बस वही था कि जो तुम बैठे हुए ना मरीजों का इलाज कैसे होगा, बस वही दिमाग मेरे में घूम रही थी जो गुरुजी ने इतने साल पहले वो बात बोली थी। और देखिए गुरुजी इतने हमारे कहते ना सब कुछ उनको पता होता है, और संगत जी मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ मतलब बैक ऑफ द माइंड में तो मेरी चीजें थी एक्चुअली, बट मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं, क्योंकि जब मैंने ब्लेसिंग्स मांग ली और जब उस टाइम गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, हाँ जो मुझे कहना होता था गुरुजी से या मुझे बात करनी होती थी, क्योंकि देखिए जैसे हमारे घर के बड़े मतलब मुझे लगता था गुरुजी मेरे घर के बड़े हैं, और जो भी कुछ मुझे बोलना है जैसे बच्चे की स्कूल की प्रॉब्लम हो गई या अगर हमें घर बनाना है या हमें कुछ भी करना है एनीथिंग, वो मैं गुरुजी से जरूर डिस्कस करती थी, लाइक बताना था गुरुजी को गुरुजी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो गुरुजी फिर हमें मतलब ऑब्वियसली गाइड करते थे ये काम अब करना है नहीं करना है। जैसे जब हमें घर बनाना था गुड़गांव में तो उन्हें 3 महीने लगा दिए गुरुजी ने, तो गुरुजी मुझे कहते हैं एक जैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ जब एकदम पूछने लगे उनसे तो गुरुजी कहते हैं आज कुछ नहीं पूछना। सो मुझे लगा गुरुजी को कैसे पता कि आज हम कुछ पूछने आए हैं, तो फिर मैं कहा ठीक है गुरुजी ने मना कर दिया। फिर जब सेकंड टाइम हम दोबारा पूछा कि गुरुजी, मुझे कहते बड़ा पूछती आंटी ज्यादा ना पूछे अगर,
मैंने कहा, फिर मैं चुप हो गई। तो ऐसे ही बेटे के लिए जब मैं कुछ पूछती थी या घर के लिए पूछती थी, गुरुजी ने 3 महीने लगाए और हमेशा गुरुजी कह रहे थे आंटी बड़ा पूछ दिए तू, ज्यादा ना पूछा कर। सो मैं फिर चुप हो जाती थी। कि 3 महीने बाद गुरुजी ने हमें कहा अब तुम घर बना लो, और बेटे के भी काफी प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व की, जो भी था वो मैं नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर। सो ऐसे गुरुजी ने देखिए मेरा हर चीज गुरुजी बहुत ठीक करते चले गए, बहुत ब्लेसिंग्स से मेरी बिटिया के लिए ठीक करते चले गए, मतलब ब्लेसिंग्स की तो ना गुरुजी ने भरमार कर रखी है। सो ऐसे मैं तो बता रही थी, तो एक बार दिमाग में मेरे ना बैक ऑफ द माइंड में एक चीज बड़ा रहती थी जो कि मैं कभी बहुत किसी से शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आई एम नॉट दैट कैपेबल ऑल्सो, कि भाई मैं इतनी कोई वो तो हूँ नहीं, मतलब आई एम एवरेज मतलब पर्सन और एवरेज चाइल्ड, अपने मदर का भी बहुत जी बात रहती थी जो मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ, बट आज मैं कर रही हूँ शेयर गुरु जी कृपा से एक जो चीज हुई मेरे साथ। सो ये थी मेरे बार बैक ऑफ द माइंड में ये आया कि मुझे ना मिसेस इंडिया बनना है। सो लेकिन मुझे पता है बीइंग कंजर्वेटिव फैमिली, ना मेरी मदर के यहाँ से ना हस्बैंड के यहाँ से मुझे कोई अलाउ नहीं करेगा, और मुझे पता है कि मेरे अपने लिमिटेशंस क्या है। सो मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी, सिर्फ जैसे होता ना हम किसी से बोलेंगे तो मजाक ना उड़ाए। सो मैंने सिर्फ गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी वैसे तो मेरी इच्छा है बट मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ ये बात, बट यू नो लेकिन बस ठीक है। तो जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने ऐसे गुरु जी से मैंने दिमाग में कहा, मैंने कहा वैसे गुरु जी हर चीज ऑनलाइन हो गई है, ये जो मिसेज इंडिया वाला है क्या ये भी ऑनलाइन नहीं हो सकता क्या? सो आप मानोगे संगत जी, बिलीव मी कि लाइक वो 4 दिन बाद ही मेरे पास मैसेज आता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। सो देखिए वो कैसे, तो मेरे को तो एक जस्ट फॉर अ फन मैंने कहा, मैं कहा चलो एक, क्योंकि मेरे को बस ये था एक्चुअली मिसेज इंडिया में जाने का कि मैं चाहे विन करूं या नहीं करूं, बट वो जो ग्रूमिंग करते हैं ना आपकी, दैट इज फैंटास्टिक, यू नो आपको बिल्कुल एकदम चेंज कर देते हैं। बेसिकली मुझे वो लर्न करनी थी। बट देखिए मेरा वो सेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक अवार्ड फंक्शन आता था, वुमेन अचीवर्स अवार्ड, वुमेन एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड। सो मैं 3 साल से उसको देख रही थी, बट उसके अंदर एक कॉलम आता था कि अचीवमेंट आपकी क्या है। सो मेरे पास तो कोई अचीवमेंट थी नहीं है सच। सो इस बार भी जब फॉर्म मेरे सामने आया तो उसमें फिर वही कॉलम था, वो गलती से मेरे से क्लिक हो गया। सो उनका वहां से मैसेज आ गया कि आपने फॉर्म मतलब आपने अप्लाई किया। मैंने कहा नहीं मैंने तो अप्लाई नहीं किया, कहते नहीं आपकी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं मतलब। सो कहते नहीं आप अपना प्रोफाइल तो भेजो हम देखते हैं। सो उसमें कॉलम था कि अचीवमेंट आपकी क्या है। सो मैंने उसमें लिखा येट टू अचीव, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने कहा गुरुजी देखना कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, लेकिन चलो नाम वाम तो आना नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, जब उन्होंने प्रोफाइल मांगा है तो मेरा अपना जो सिंपल सा प्रोफाइल है कि भाई डेंटल क्लिनिक है, डेंटिस्ट हूँ और बस इतना ही है, और पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसके अंदर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था, और जो कोविड में जितना मैंने जो भी काम कर लिया था। बट वो देखिए वो जो कोविड में काम करना मेरा हो गया, मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी कैसे उस चीज को चेंज कर देंगे, उन्हें चेंज क्या कर देंगे। लाइक वो एक आप अच्छा करते हो, कहते आपकी ऑनेस्टी पे करती है, या जो भी था मैंने कुछ सोच के नहीं किया था उसको, बट वो मेरा प्रोफाइल चूज कर लिया उन्होंने। और उसके बाद काफी लोग मेरे पास अपने आप ही चीजें आती रही। और ये देखिए मैं मुझे आज की डेट में मेरे पास पहले एक भी अवार्ड नहीं था, और आज की डेट में मुझे खुद नहीं अभी पता कि गुरुजी ने इतने अवार्ड मेरे को दिलवा दिए, इतने अवार्ड दिलवा दिए कि मुझे भी नहीं पता। और मुझे लास्ट ईयर जो मैंने वो बता रही थी मिसेज इंडिया वाला, वो सेकंड रनर अप मेरा मिसेज इंडिया में बनी। और उसके बाद इस बार जब उनका हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं कहा नहीं मैं एक बार कर चुकी हूँ, इतना मतलब नाउ एनफ। सो कहते नहीं क्यों आप विन नहीं करना चाहोगे। सो मैंने कहा नहीं हाँ मन तो है, लेकिन चलो ठीक है मैंने दोबारा पार्टिसिपेट किया। और संगत जी अभी मैंने कहीं ज्यादा बताया नहीं है, बट मैं आज गुरुजी के मंदिर पे प्लेटफॉर्म पे गुरुजी के सामने बता रही हूँ कि आई वन द मिसेस इंडिया टाइटल 2021 स्टाइल फिस्टा। सो इसका थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से क्राउनिंग जो उसकी सेशन है थोड़ा सा लेट हो गया है। सो बट डेफिनेटली उसमें भी उन्होंने बोला है कि आपको आना है। बट सच्ची कितनी बड़ी बात है कि वो क्राउन विन करना। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और ऐसे गुरुजी ने कितनी चीजें, यू नो मेरे पास आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इतनी चीजें गुरुजी ने करवाई है, इतनी चीजें गुरुजी ने मेरे को दी है कि मैं सोच भी नहीं सकती। एक चीज मतलब अपने आप ही मतलब एक शौर्य सम्मान है, एबी न्यूज वालों ने मेरे को चूज किया, और इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। मतलब उन्होंने कहा कि आपका बहुत शौर्य सम्मान मिलना कोई छोटी चीज नहीं है, मतलब अमेजिंग। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका इतना कुछ देने के लिए। और इसके बाद मैं मतलब आई थिंक अंकल आई हैव टाइम, मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए।
जी आंटी अभी 10 मिनट हैं। ओके सो ऐसे गुरुजी ने देखिए इतनी कृपा की, और देखिए गुरुजी ना आपको सब जानते हैं। एक बार मैं बताती हूँ आपको कि गुरुजी के पास में ऐसी जब गई तो मेरे को कुछ, मेरे ना गला बैठा हुआ था और मेरी आवाज नहीं निकलती थी, मेरे मतलब टॉन्सिल्स हो गए थे बड़े जबरदस्त, और इतने टॉन्सिल्स हो गए थे कि मतलब मेरा बोलना बड़ा मुश्किल था, आवाज जैसे मैंने बताया नहीं निकल रही थी। सो मैंने गुरुजी को कभी कुछ नहीं कहा कि ठीक है गुरुजी को पता है मैं आ रही हूँ, गुरुजी देख रहे हैं, लंगर कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। फिर मेरे को, मैंने जब टेस्ट करवाए उसी से रिलेटेड होकर, सो बाकी सब कुछ ठीक था, बट मेरे को निकला हाइपोथायरायडिज्म। सो हस्बैंड कहने लगे, क्योंकि अब बीइंग अ डॉक्टर पता है कि चीजें अगर ऐसी हो तो चीजें ठीक नहीं होती, तो हस्बैंड ने कहा कि ना मैं एक बार गुरुजी को बता दूं कि तेरे को हाइपोथायरायडिज्म हो गया है। मैंने कहा ये क्या बात बताने वाली गुरुजी को कि मैं टेस्ट डॉक्टर हूं तो ठीक है, तो गुरुजी सब जाने जाने। तो मैंने अपना टेस्ट रिपोर्ट जो था, हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी को दिखा दो। सो मैं गुरुजी के पास लेके गई, तो गुरुजी ने तो वो नहीं देखा, गुरुजी को तो सब कुछ पता है। तो गुरुजी मुझे, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बहुत मुश्किल से आवाज निकाली कि गुरुजी मुझे हाइपोथायरायडिज्म हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं कि, मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायरायडिज्म हो गया है, गुरुजी ने बड़ी जोर से बोला कि, तो मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायरायडिज्म हो गया है, फिर गुरुजी ने बड़ी जोर की बोला कि, फिर मैंने उतनी ही जितनी जोर से गुरुजी ने बोला उतनी ही जोर से मैंने बोला गुरुजी हाइपोथायरायडिज्म हो गया है, गुरुजी कहते हैं चल जा। सो मेरे को लगा, मैंने कहा है गुरुजी इतनी तेज से बुलवाया मेरे से, पर अब कहते हैं जा। मैंने मन में सोचा, फिर वहां एक सेवादार अंकल खड़े थे, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा अंकल गुरुजी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, क्या बोला गुरुजी ने? कहते हैं गुरुजी, मैंने कहा अंकल गुरुजी ने बोला चल जा। कहते हैं तो आंटी बीमारी जा, गुरुजी बीमारी को चलता कर दिया। ऐ संगत जी बिलीव मी, वो इतना जोर लाउड बुलवाने से मेरे टॉन्सिल्स, मैं अचानक मैंने नोट किया मैं तो बात कर रही हूँ अंकल से, और मैंने कहा अरे ये क्या, मेरी आवाज वापस आ गई। तो सोचिए गुरुजी ने 3 बार वो मेरे से इतना लाउड बुलवा के मेरी आवाज ठीक कर दी, और उसके बाद हाइपोथायरायडिज्म मेरा ठीक कर दिया। अब जब भी टेस्ट करवाती हूँ, इतने साल हो गए, गुरुजी की कृपा से हमेशा मेरा ठीक निकलता है। सो बहुत बहुत शुक्राना। तो देखिए गुरुजी सब जानते हैं, सब कुछ उनको पता है, क्या नहीं उनको पता। एक बार मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई, तो उसने मेरे को बोला था कि नीलम बता देना गुरुजी को, इंट्रोडक्शन दे देना मेरा। सो वैसे तो गुरुजी के पास इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, उसको मैंने बोला था, कहती नहीं बता देना तू। और जैसे उसने माथा टेका और मैंने उसको बताने लगी, सो पहले तो खैर वो बाहर निकल गई एकदम से, कहती है बाहर निकल के कहती है नीलम मुझे यहाँ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे मतलब कि मेरे गुरु के बारे में इसने ऐसा बोला, स्थान के बारे में ऐसा बोला। सो मैंने कहा चल ठीक है, अब किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर पता नहीं एक मिनट भी शायद नहीं हुआ होगा, मेरे को कहती है मेरे को ना दोबारा अंदर जाना है। तो मैं कहती दोबारा अंदर नहीं जाते हैं, आगे हम लोग ले चुके हैं। कहती नहीं मुझे तो अंदर जाना है। सो मैं बहुत डरती डरती गुरु जी मतलब अंदर उसको दोबारा लेके गई कि आज्ञा लेके, क्योंकि कभी नहीं जाते थे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैंने अंदर गई। एंड आई वाज जस्ट, और मेरे को वो इशारा करी कि गुरु जी को बता। सो आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी ये मेरी फ्रेंड, मतलब इससे पहले गुरुजी कहते हैं चल जा बढ़िया ही डॉक्टर ने की वकील। तो और वो हैरान और मैं हैरान कि गुरुजी के तो हमें बताया नहीं कि ये डॉक्टर नहीं है मेरी फ्रेंड, और वही जैसे मुझे कहा चल जा बढ़िया ही डॉक्टर ने की वकील। तो गुरुजी से के पास अगर आप किसी को लेके जा रहे हो तो संगत जी उनका और उनका कनेक्शन है जिस संगत को आप लेके जा रहे हो, आपको बीच में वकालत करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे गुरुजी का यही इसी से मैसेज मिला, और फिर डायरेक्ट कनेक्शन आप बनाओ आपका, और कोई जो बीच में आपको किसी को लेके भी गए हो तो उसका आपका कोई मतलब नहीं है, उनका और फिर गुरुजी जाने। तो गुरुजी तो सब जाने जाने, सब जानते, क्या नहीं जानते गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत अनंतम शुक्राना मैं कहती हूँ गुरुजी का। और एक बार ऐसे मेरा हीमोग्लोबिन था वो 6 आ गया था, और कैसे गुरुजी ने, मैं एडमिट नहीं होना चाह रही थी, मैं डॉक्टर हुआ गुरुजी सॉरी डॉक्टर मुझे आपने सिर्फ 4-5 दिन दोगे, क्योंकि मुझे मंदिर से जाकर उस टाइम लंगर कर आना था, मैं उनसे इतना टाइम मांग रही थी, और शायद मैं थर्सडे की वेट कर रही थी ऐसा कुछ था। तो बस मैं वो लंगर कर आई हूँ, इन बिटवीन गुरुजी वो डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है हम 4 दिन आपको कुछ दवाएं थोड़ी स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना अपने आपको, पर 4 दिन में एडमिट हो जाना क्योंकि आपकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। मैं कहा ठीक है डॉक्टर साहब। और संगत जी वही हुआ, 4 दिन में बस मैं लंगर कर आई हूँ बड़े मंदिर से, इस बात को आई थिंक 6-7 साल हो चुके हैं। सो और देखिए जब हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है तो वो 8 आ चुका था। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा नहीं आपको एडमिशन की अब जरूरत नहीं है, बट आप ये करते आपने अपनी दवाइयाँ जो दी है मैंने बहुत अच्छी दी हैं वो करते रहो। बट मन में सोचा कि वो दवाई जो डॉक्टर दे रहे हैं तो दे रहे हैं, बट वो गुरुजी का लंगर प्रसाद है जो जिसने मुझे ठीक किया। और एक बार नहीं संगत जी कितनी बार, और गुरुजी तो देखो मेरे को पहले भी गुरुजी ने, और एक बार नहीं कितनी बार गुरुजी ने मेरे को लाइफ दी है। जैसे एक बार उनको डेंगू का टाइप का कुछ हो गया था, इट वॉज नॉट डेंगू ऑल्सो, तो डॉक्टर घबराए हुए थे कि डेंगू भी एग्जैक्टली नहीं निकल रहा है इनका, पता नहीं क्या आ रहा है अजीब सा कुछ।
और डॉक्टर से फिर हैंड्स अप कर लिए थे और मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है। तो ऑब्वियसली जब डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए तो हस्बैंड तो बहुत बहुत दुखी हो गए थे। तो उन्होंने वो बाहर खड़े हुए थे, उनके एक फ्रेंड आते हैं और कहते हैं कि अरे रात को इतनी रात को यहाँ कैसे खड़े हो। तो वो ही कहते हैं कि भाई डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए और मेरी वाइफ के पास से 15-20 मिनट है। सो कहते हैं अरे तुम तो गुरु जी के पास जाते हो ना। तो उन्होंने कहा सर जाता तो हूँ लेकिन अब तो डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए। तो वो अंदर आए और मेरे को कहते हैं कि आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक? तो सोचिए संगत जी उस जय गुरु जी बोलने में इतनी ताकत थी कि मैं आज सबके साथ सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सो देखिए ये गुरु जी का बहुत शुक्राना है। मैं तो कहती हूँ ये गुरु जी की दी हुई लाइफ है और मेरे को बस यही लगता है कि जब तक मैं जिंदा रहूं बस गुरु जी कैसे गुणगान करती रहूं। मैं गुरु जी से यही मांगती हूँ कि गुरु जी मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाए और गुरु जी बस ऐसी ही हंसी खुशी हमें रखना, सबको रखना और सर्वदा भला हो गए। मतलब मैं तो कहती हूँ गुरु जी और जितनी बीमारी है जल्दी से जल्दी जाए और सब द्वारा से मिल सके, बड़ा मंदिर खुले, हम लोग जा पाए, लंगर सब कर पाए और वही खुशी वाले दिन आए। और डेफिनेटली आएंगे, गुरु जी जरूर कृपा करेंगे। बट जो गुरु जी ने अगर जैसे कहते हैं ना कुदरत अगर हमें नाराजगी दिखा रही है कुछ है, कहती हम वो चीजें समझे, अपने आप को प्रिकॉशंस लें। सो आई थिंक इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो मे बी नेक्स्ट टाइम। बहुत गुरु जी शुक्राना और आज मेरे बर्थडे पे मुझको इतनी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।